नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कर दिया है। उसी के बाद से परिवार पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सतीश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने जो है इतिहास रच दिया, क्या कहना? जी बिल्कुल, जो उसकी मेहनत है और अपने देशवासियों का जो एक प्यार था, उसके साथ जो आशीर्वाद था देशवासियों का, उसके अनुरूप वो उस पर पूरा उतरा, तो हमें बहुत खुशी। मैच आप भी देख रहे थे, रात को लाइव चल रहा था, परिवार सारे इकट्ठा देख रहा था, क्या तो धड़कनें बढ़ने लगी थी। देखो, ये तो उतार चढ़ाव हमेशा होता ही है, हमेशा हम नहीं बोल सकते इसमें, पूरे देश की यही धड़कनें थी। जब भी उतार चढ़ाव होता था सभी के मन में यही था, लेकिन हमें इतना विश्वास था, जो उसकी प्रैक्टिस हम देखते हैं, जो वो बातें करता है कि मेरी प्रैक्टिस बढ़िया है, हमें तो मतलब शेयर करता रहता बात, हमें पूरा यकीन था कि वो बढ़िया परफॉर्म करेगा। कंपटीशन में पाकिस्तान का खिलाड़ी है और पाकिस्तान का जब नाम आता है तो जुनून और ज़्यादा जाग जाता है इंडिया के खिलाड़ियों के अंदर। हाँ, बस ये शुरू से ही बस एक सब की सोच है कि भारत पाकिस्तान का भी जो हम लोग कोई मैच होता है, चाहे क्रिकेट है चाहे कोई भी है, उसमें लोग ज़्यादा उत्सुकता से देखते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का एक ये गेम था, पूरे वर्ल्ड में जो जीतना होता है ना, उसमें हम किसी एक देश को मतलब कह नहीं सकते। इसमें इंडिया है चाहे पाकिस्तान है चाहे कोई और भी कंट्री है, सभी जो जो अपने खिलाड़ी वहाँ पर लेके जाता है, सभी अपनी तरफ से अपने देश के लिए बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और उसमें हमारा नीरज मान लिया अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाया, तो इसकी हमें बहुत खुशी है। नीरज से बात हुई आपकी मेडल जीतने के बाद? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बस उसको टाइम लगेगा, उसके पास मैसेज छोड़ा हुआ है, जब उसको टाइम मिलेगा, जब वो फ्री होगा तभी वो बात कर पाएगा। पहले आपके कब बात हुई थी, अब गेम से जाने से पहले आपके लास्ट टाइम कब बात हुई थी? दस पंद्रह दिन पहले ही बात हुई थी पूरे परिवार की, बस वो यही था कि मेरी प्रैक्टिस बढ़िया है और मैं बढ़िया करूँगा। क्या बोल रहे थे, दोबारा सिल्वर, पहले सिल्वर आया था तो अब की बार मेडल का रंग बदल कर ही वापस लौटेंगे? बस ये तो था कि अब की बार मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, जो ये एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेरे पास जो सिल्वर मेडल है, इसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ऊपर वाला जो मेरा साथ देगा, मौसम साथ देगा, तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा। बधाई संदेश लगातार मिल रहे हैं, किन किन बड़े लोगों ने या नेता मंत्री या अधिकारियों, किन के बड़े संदेश आपके पास है? देखो, अपने पास ये समझ लो कि जैसे अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, या अपने हरियाणा के सीएम जी हैं, या हम उत्तर प्रदेश की या पंजाब की बात करें, हर किसी के अपने पास मतलब फ़ोन या बधाइयाँ आई हुई हैं। और जो खेल का जो विभाग है, जितना जितने कोच है या खेल विभाग के जो मंत्री हैं, तो सभी के मतलब एक बधाई के संदेश आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा जी समय वापस लौटेंगे तो किस प्रकार जश्न मनाया जाएगा, किस प्रकार की तैयारियां जो है परिवार द्वारा की जा रही है? बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, बस ये है कि अब उसका टाइम में जो मतलब वो बताएगा भी इस टाइम में वो टाइम लगेगा, तो तभी सब कुछ हो पाएगा। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, नीरज की शादी का जिक्र आता है, क्योंकि पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में जब गोल्ड जीता तो भी यही सवाल था, तो अब भी यही सवाल है, क्या सोचा है आपने, कब उसकी शादी की जाएगी, या नीरज ने आपको कुछ बताया हो या वो अपनी पसंद से? ऐसा कुछ नहीं है, सही में एक्चुअल में क्या है कि जब तक उसका कहना है कि जब तक मुझे लगता है कि मैं खेल में बेहतर कर पाऊँगा, तब तक ये जितना भी जीवन एक मतलब परमात्मा ने दिया है और देश का जो सहयोग मेरे को मिला ना, जब तक मैं बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ तब तक मैं अपने काम पे लगा रहूँगा। जब मेरे को ये लगेगा कि भाई अब मेरे को शादी की ज़रूरत है, और मैं आपको बताऊँगा भाई, अगर मेरे पसंद कोई लड़की है तो मैं आपको बताऊँगा, आप देख लेना, या फिर आपकी कोई पसंद है तो मेरे को बता देना, आपस में कॉम्बिनेशन करके देख लेंगे। यानी मान के चले कि दूसरे ओलंपिक के बाद नीरज की शादी की जाएगी? हाँ, बस कोशिश यही है, बाकी सोचना तो उसका है, अगर उसके बाद भी परफॉर्म बढ़िया कर रहा है और बढ़िया करना चाहता है तो उसके बाद तक भी उसी की चलेगी। देखिए, नीरज चोपड़ा के पिता हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है, खुशी का माहौल है, लगातार बधाइयां संदेश जो है वो मिल रहे हैं, पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग जो है वो संदेश रहे हैं दे रहे हैं, और परिवार में खुशी का माहौल है।